हेलो गाइस, जैसा हमारे पीएसटी और जेईसी की सीरीज में ये लेक्चर हमारे पास 22 है। दूसरा वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आज हम क्लास ये जो है हमारे पास 5 क्लास है। इसकी मैथ में हम आज जो सीखने वाले हैं वो डिवीजन सीखने वाले हैं कुछ नंबर्स की, मतलब कि कुछ नंबर हमारे पास जो डेसिमल नंबर होते हैं उनको कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको आज सिखाऊंगा कि एक डेसिमल नंबर को हम किसी होल नंबर से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। उसके साथ में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किसी डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो ये इजी है, लेकिन जो मैथ नहीं सीखे हुए उनके लिए बहुत बड़ा ये मसला है। वैसे मैथ वालों के लिए भी कुछ ये मसला करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे कि कैसे हम, यहाँ पर यही नंबर है हमारे पास 25 और 85। इसी नंबर को हम 85 नहीं पढ़ते हमारे पास, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि 225.85, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पढ़ना तो नहीं है, हमने सीखना है कि इसकी डिवीजन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर मैं लिख लेता हूँ, 25 है हमारे पास 85, और डिवाइड हमने किस नंबर से करना है, डिवाइड पहले मैं होल नंबर से आपको करके दिखाता हूँ। होल नंबर से हमने इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम 25 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लिखते हैं 85 और इसको डिवाइड करते हैं हम 5 से। 5 यहाँ पर लिख लेते हैं, 5 का टेबल 25 पे, तो सिंपली लगाएंगे जैसे हम डिवीजन करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पर 25 पे 5 का टेबल 5 मरतबा लगेगा, तो ये हो जाएगा 25 और हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट यहाँ नीचे नहीं लानी, अब ये मेन चीज़ यही है सीखने वाली डिवीजन में कि ये पॉइंट जो है यहाँ पर रखनी है आंसर में, और ये 8 उसके बाद में नीचे उतारना है। यहाँ पर ये 8 लिखेंगे, 8 पे टेबल जो 5 का लगेगा वो 1 मरतबा लगेगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर कोई पॉइंट वगैरह नहीं देनी, पॉइंट यहाँ पर देनी है। यहाँ पर 3 बाकी रिमेनिंग होगा, यहाँ पर माइनस करते हैं, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पर 5 जो है नीचे लाएंगे और 5, अब कोई पॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं देना, ठीक है। और यहाँ पर हम 35 पे जो लगेगा 5 का टेबल वो 7 मरतबा लगेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 35 = 0। तो हमने कुछ इस तरह से इसको डिवाइड करना है। इसके साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर हमें 3 1 को डिवाइड करना है 3 के साथ में, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके साथ में मैं यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ, उसके साथ में मैंने इसे डिवाइड कौन से नंबर से, 3 देना। अब 1 छोटा है 3 बड़ा है, तो हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करने का तरीका ये है कि यहाँ पर 0, फिर हमने पॉइंट लगा देनी है। पॉइंट अगर हमने यहाँ पर दे दी है तो यहाँ पर 0 दे देंगे, ठीक है। 0 देने के बाद में अब 3 का टेबल लाजमी है कि 3 मरतबा लगेगा 10 पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर माइनस, फिर 1 होगा रिमेनिंग में। अब यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑलरेडी हमने दे रखी है, तो इसलिए हम दूसरी कोई पॉइंट या फिर यहाँ पर कोई 0 नहीं देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे क्योंकि हमने पॉइंट ऊपर लगा के रखी है पहले से। तो यहाँ पर अब 10 पे फिर दोबारा हमने 3 का टेबल 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर रिमेनिंग है, तो फिर हमने 3 का टेबल लगा लेना है, पहले 0 देनी है, फिर 3 का टेबल लगा लेना है, माइनस करनी है 0। तो ये कंटिन्यू नंबर हमारा कम नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। इस टाइप के नंबर को क्या कहते हैं, या फिर जो यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है, इस टाइप के नंबर को क्या कहते हैं। अगर ये इस टाइप के प्रॉब्लम इसी क्लास में है तो यहाँ पर ही मैं आपको सिखाऊंगा, अगर नहीं तो हमारे जो आगे के क्लासेस हैं जैसे कि 5 के बाद 6 7 है, तो उसमें ये इस टाइप की बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर यहाँ पर ही अगर मैं बड़ी बातें करने लगूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जिसकी बेसिक वीक है वो शुरू से ही मेरे वीडियोस के लेक्चर जो है वो देखे, उससे क्या होगी कि उसकी बेसिक भी बेहतर हो जाएगी और उसे वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम पीएसटी जेईएसटी में मिलेंगे वो खुद हल करने की उसमें सलाहियत होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम ये कंटिन्यू रहेंगे। यहाँ पर पॉइंट दे रखी है, तो यहाँ पर हम 0 दे सकते थे अगर ये कंटिन्यू आगे नंबर चलता तो, लेकिन यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए इसको यहाँ पर ही ख़त्म कर लेते हैं। उसके साथ में आप डेसिमल को डेसिमल के साथ में डिवाइड करते हैं, जैसे कि 3 पॉइंट, चलो मैं कोई भी नंबर यहाँ पर 3.15 लिख लेता हूँ, और डिवाइड में इसको लिख लेता हूँ मैं दूसरे, मतलब कि इससे रिलेटेड है। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम मिल जाएंगे, ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये नंबर है जैसे कि डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है, या फिर ये नंबर है डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है, इस टाइप के प्रॉब्लम भी आते हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम डेसिमल को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 25 मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास नंबर जो है वो है 3.15। खैर ये नंबर क्या बनता है आगे क्या होता है,
लेकिन डिवियन हल करने का तरीका ये ख़त्म होगा या नहीं होगा ये भी पता नहीं, लेकिन डिवियन हल करने का तरीका जो है, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं लिख रहा मैं, यहाँ पर पॉइंट के सामने क्या है कि यहाँ पर 3.5 है, तो इसके नीचे एक लाइन लगा लेनी है आपने, पॉइंट के सामने जो है नीचे यहाँ पर 1 लिखना है। अब आगे कितने नंबर है, अगर यहाँ पर 1 है तो हमने यहाँ पर 1 0 देना है, अगर ज़्यादा होते तो हम ज़्यादा 0 देते, ठीक है। फिर डिवाइड लिखना है, उसके साथ में हमने 2 पॉइंट को भी इसी तरह जो है नंबर में चेंज कर लेना है, और यहाँ पर है हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट के नीचे 1 लगाना है, और आगे जो है वो है कि नंबर है, अगर ज़्यादा होते तो हम ज़्यादा लगा लेते, ठीक है। उसके बाद में ये पॉइंट हमने नहीं देनी। अब 35 डिवाइड में हमारे पास 10 है, तो इसका मतलब यही है, मतलब इसका मतलब यही नंबर है हमारे पास, ठीक है। डिवीजन लिखनी है, उसके बाद में 25 डिवाइड में हमने क्या लिखना है, 10 लिखना है। इसका मतलब भी यही है, अगर इस नंबर को हम हल करेंगे कैलकुलेटर से तो हमें ये आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में डिवीजन को जैसे कि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, तो 35 डिवाइडेड बाय 10, और मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 10 ऊपर हो जाएगा और 25 नीचे हो जाएगा, तो 10 ऊपर हो गया और 25 नीचे आ गया, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर बन चुका है। अब यहाँ पर ये भी आपको पता है कि हम डायरेक्ट टेबल इस पर लगा सकते हैं, तो 10 10 से कैंसिल हो गया, अब 35 डिवाइडेड बाय हमारे पास 25 आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर ये डिवीजन करने का मेथड है, इससे क्या होता है कि मतलब कि कुछ नंबर वैसे हम यहाँ पर ऐसे करके लिखें, अगर 35 पॉइंट हमारे पास है, मतलब कि यहाँ पर 25 है, 25 है और 3.5 है, तो इसको इस तरह से हम नहीं हल कर पाते। इसको हल करने का यहाँ पर यही तरीका है कि इसको नंबर को हमें एक फ्रिक्शनल पार्ट मिलाना है डेसिमल से निकाल के, लेकिन डेसिमल से निकाल के फ्रिक्शन में लाने का तरीका ये है, उसके बाद में अब हम इसको डिवाइड करेंगे। वैसे बाद में यहाँ पर पॉइंट आ सकती है, वो कैसे आएगी वो बाद में देख लेते हैं, लेकिन पहले हम इसको इस कंडीशन में लाएंगे। यहाँ पर क्या होगा कि 35 को डिवाइड करना है, अब कौन से नंबर, अब 25 से, अब 25 एक टेबल है, यहाँ पर बड़े टेबल भी बन सकते हैं, इससे बड़ा भी टेबल आ सकता है, लेकिन वो हल करने का तरीका हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी बार, हमारी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है तो हम जल्दी कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 25 का टेबल 35 पे लग सकता है 1 मरतबा, तो यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर 25 लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 20, मतलब 35 से 25 माइनस करेंगे तो लाजमी है कि 10 हमारे पास रिमेनिंग में होगा। अब 10 हमारे पास आ चुका है, लेकिन 25 एक बड़ा टेबल है जो कि इस पर डिवाइड इसको नहीं कर रहा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक पॉइंट लगानी है, पॉइंट लगाने के बाद में अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 0 दे देना। उसके साथ में ये भी आपको बताता चलूँ, लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है, अगर यहाँ पर देखो 0 होता, लेट सपोज अगर 0 यहाँ पर होता तो ये कितने हो गए, 250 एक बड़ा टेबल है और यहाँ पर 100 है, 100 छोटा है और 250 बड़ा टेबल है, तो यहाँ पर अगर हमने पॉइंट लगाने के बाद में 0 दे दिया, 0 देने के बाद में भी अगर हमारा काम नहीं बन रहा तो यहाँ पर 0 देकर एक दूसरा 0 देकर यहाँ पर 0 एक एक्स्ट्रा हम लगाते, ठीक है ना, अगर ऐसी कंडीशन होती तो, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन है नहीं तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो मैंने अभी अभी लिखा उसको रिमूव कर लेता हूँ, और यहाँ पर ये पॉइंट, क्योंकि हमारे पास 2500 पे टेबल लग सकता है, 25 का 100 पे टेबल लग सकता है, तो हमारे पास कितनी मरतबा इस पे जाएगा, तो ये हमारे पास 4 मरतबा इस पे लगेगा टेबल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। कुछ इस तरह से हमने इसको डिवाइड करना है। अब ज़रा हमें यही जो है अभी अभी जो हमने प्रॉब्लम किया जिसका आंसर हमारे पास ये आ चुका है, इसको हम कैलकुलेटर के थ्रू करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो 3.5 डिवाइड में हमने क्या किया, डिवाइड में हमने किया 2.5, डिवाइड में यहाँ पर 3.5 है, डिवाइड में हमारे पास 2.5 है, और इज इक्वल टू में लगाते हैं तो हमारे पास 1.5, जो कि हमारे पास 1.5 आंसर आ चुका है। हमने इसको इस तरह से कुछ डिवाइड करना है। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही, दूसरे वीडियोस के लिए देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, और मैथ का जो डर है वो अपना ख़त्म कीजिए, PhD और JST के लिए अच्छी से तैयारी कीजिए। अगर कोई हमारे पास कमेंट है आपकी, मतलब कि आपका कोई कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये मैथ आपको इजी लग रही है तो आगे के दूसरे क्लासेस की आगे से आप स्टार्ट कीजिए, अगर यहाँ पे भी आपको मुश्किल लग रही है तो आप पीछे के लेक्चर जो हैं वो देखिए, ठीक है ना। इस पर क्या होगा कि आपकी बेसिक बेहतर हो जाएगी,
और ऐसे ही आप आगे वन बाय वन वीडियो देखते आइए। उनमें भी अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो नहीं आ रहा समझ में, या फिर आप खुद तैयार कर रहे हैं और अब बुक में कोई आंसर है जो नहीं आ रहा आपको समझ में, तो आप मुझे वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।